हेलो एवरीवन, मैं आभा, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक प्लांट दिखा रही हूँ। ये ऑक्जेलिस का प्लांट है, हिंदी में बोले तो बटरफ्लाई बोला जाता है इसे। और बहुत ही सुंदर, देखिए पर्पल कलर का ये प्लांट है। ये देखिए इसके लीव्स जो होते हैं ना, बटरफ्लाई की तरह होते हैं। और ये देखिए इस टाइप के इसके लीव्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक लीफ निकल गया है। बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं ना, उसी तरीके से ये इसके जो पेटल्स होते हैं। तो ये देखिए, आज मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, यहीं जहाँ मैं रहती हूँ, तो मैंने उनके यहाँ से ये प्लांट को लाया है। उन्होंने ये प्लांट मुझे गिफ्ट में दिया, मतलब उनके यहाँ बहुत सारे लगे हुए थे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो उन्होंने जो मुझे एक ट्यूबर इसका निकाल के दिया। फ्रेंड्स देखिए बहुत सुंदर है, और छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी मैंने उनसे लिए हैं। ये देखिए एक और ये दो, और एक ट्यूबर में लिए हैं मैंने। तो देखिए ऐसा करके मैंने तीन प्लांट में से बनाने वाली हूँ। और ये बटरफ्लाई का जो प्लांट होता है, ऑक्जेलिस का जो प्लांट होता है, वो बहुत सुंदर, इसमें पर्पल कलर के पेटल्स होते हैं, पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं इसमें। और इस प्लांट की खासियत ये होती है कि ये जो मॉर्निंग टाइम में जो इसके लीव्स हैं ना, बिल्कुल बटर, ये देखिए ऐसे दिखाई देते हैं, चार पत्ते रहते हैं इसमें इस टाइप से। और शाम की ये जो लीव्स हैं ना, वो नीचे झुक जाते हैं, तो ऐसा रहता है ये प्लांट। और शेमी सेड वाला प्लांट होता है। और इसे मैं देखिए आज दो पॉट में, मतलब ये देखिए ऐसे इसका लुक रहता है, मैं दो पॉट में इसे आज ग्रो करने वाली हूँ। एक इसका हैंगिंग बास्केट बनाऊंगी, और एक मेरे पास ये देखिए बुद्ध जी का एक स्टेचू का मेरे पास एक पॉट है, तो उस प्लांट है ना, वैसा मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए सॉइल मीडिया में मैंने इसे, सॉइल जो मीडिया होती है ना, वो पोरस सॉइल पसंद आती है, काफ़ी वेल ड्रेन होना चाहिए ये जो उसका सॉइल होता है। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर की पॉट, मतलब डिफरेंट कलर की जो ये जो पॉट ली हुई है, और सॉइललेस मीडिया, मतलब मैं सॉइललेस मीडिया इसमें रेडी कर रही हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ फ्रेंड कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो ये वाइट वाइट से दिख रहा है ना, ये 10% के करीबन मैंने इसमें परलाइट लिया है। परलाइट था मेरे पास, इसलिए मैंने लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और 20% मैंने इसमें कोकोपीट लिया है, और 10% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा नीम खली और साफ फंगीसाइड, इतना मैंने इसमें सॉइल लिया हुआ है। और कोल मैंने नीचे पूरा बिछा दिया हुआ है, आपको दिखाती हूँ इस टाइप का। ये देखिए कोल होता है, इसमें मैंने देखिए नीचे डाला हुआ है ड्रेनेज के लिए, और इस फॉर्म में रहता है। ये चारकोल है, लकड़ी का चारकोल बोला जाता है इसे, तो ये मैंने लिया है ड्रेनेज बनाने के लिए। और कोल से कार्बन बहुत अच्छे मिलते हैं प्लांट को, तो इस तरीके से ये देखिए। तो ये हैंगिंग बास्केट में ना ये प्लांट बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत ही प्यारे दिखते हैं। तो चलिए हम इसे जल्दी से लगा लेते हैं। तो और प्लांट को मैंने ला कर सीधा पानी में डुबा कर रख दिया था, ताकि ये डैमेज मत हो, सॉक में मत जाए प्लांट। उनके पास ये बहुत लैगी सा हो गया था, तो उन्होंने कुछ प्लांट को ट्रिमिंग भी करी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये प्लांट दे दिया। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इसका रूट सिस्टम है, और काफ़ी देखिए इसका थोड़ा सा जो नीचे जो बल्ब है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। देखिए इसमें ऐसे शेप बना हुआ है, ये देखिए ऐसा शेप बना है इस बल्ब में, और यहीं से देखिए रूट है, और इस टाइप का देखिए। तो इतना पोर्शन, क्राउन पोर्शन है ना, मैं सॉइल में दबा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से लगा लेते हैं इसे भी। ये देखिए हल्का सा ऐसे होल कर लेना है हमको, ये देखिए। और बहुत डेलिकेटेड, मतलब थोड़े से भी टच करने पे ये प्लांट टूट जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसीलिए मैं इसको पोरस सॉइल दे रही हूँ, ताकि ये प्लांट स्टेबल बने रहे। कहाँ से बन नहीं रहे, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पॉट को अच्छे से लगा दिया है, और ये जो सॉइल मैंने रेडी किया है, काफ़ी वेल ड्रेन्ड सॉइल है। इससे क्या, जो हमारे जो बल्ब है ना, बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाएंगे। और जो छोटे छोटे ट्यूबर है ना, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एक ट्यूबर, उन्होंने बताया कि ये इसी से इसके रूट्स सारे निकलते हैं, तो इसे भी मैं ग्रो कर लूँगी। तो इस टाइप से देखिए, ये देखिए ऐसा है रहता है ये, तो इसे भी हम ऐसे लगा लेते हैं, ताकि जो इसके रूट्स हैं इसमें जल्दी से आ जाएँ इसमें।
और दो ट्यूबर मेरे पास और रखे हुए हैं, तो मैं इसे बुद्धा जी वाले में लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बुद्धा जी का बहुत सुंदर पॉट है, और ये जो वाइट और पर्पल का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा लगेगा। और सॉइल की मतलब पॉट की बात करें तो इससे ज़्यादा बड़ा पॉट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसके जो बल्ब होते हैं ना, वो गहराई में ना जाकर ऐसे चौड़ाई में फैलते हैं। तो एक मैंने हैंगिंग बास्केट इसका रेडी किया है, और एक मेरे बालकनी में रखने के लिए खूब सुंदर बुद्ध जी की स्टैचू है, बट इसमें सॉइल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी पे ही ग्रो कर लूँगी। ये देखिए, और इस तरीके से आप सारे प्लांट को ऐसे लगा लीजिए। और सनलाइट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये सेमी शेड वाला प्लांट है, इसे ऐसे जगह में प्लेस करिए जहाँ पे जो सनलाइट है वो छन कर आती हो, मतलब इसी छूती हुई निकले, इस टाइप का इसे प्लेस आप देंगे। और वाटर की बात करेंगे तो चेक करके दीजिएगा इसका वाटर, जब भी इसमें आपको लगे कि वाटर लगेगा तभी आप इसको देंगे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मर जाते हैं। और इसके जो ग्रोथ का समय होता है ना, वो समर को छोड़ के यानी रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हैं, और विंटर में इसमें बहुत सुंदर वाइट यानी पर्पल कलर की ही फ्लावर आते हैं, जो इसके जो पत्तियों का जो कलर होता है ना, उससे थोड़े लाइट कलर में इसके जो फ्लावर आते हैं। मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैं इसके जो लगा दूँगी फ्लावर का जो पीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में लगा देंगे इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ऑक्सिलिस का वो लग गया है, और इसके जो लीव्स है ना, बिल्कुल बटरफ्लाई जो होती है ना, उसी के लीव्स मतलब पंख के जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए इसका नाम बटरफ्लाई और ऑक्सिलिस रखा गया है। तो ये देखिए, पानी मैंने अच्छे से दे दिया है इसे, अब मैं जब तक इसका सॉइल सूख नहीं जाता तब तक मैं इसे पानी नहीं दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इसके जो पेटल्स हैं बहुत ही प्यारे हैं। और तो वीडियो कैसे लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय।